दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों में खुशामदीद कहती हूँ। शाम में तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ज़ोरदार धमाका, 18 अफराद हलाक और 70 जख्मी। शाम में तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम इलाके अलबाब के बस अड्डे पे दोबारा से भरा ट्रक ज़ोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 18 अफराद हलाक और 70 अफराद जख्मी हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अलबाब के इलाके में बस अड्डे पर खड़े ट्रक में धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 100 के करीब अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों में से 13 अफराद की हालत नाजुक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दोस्तों, बढ़ते एक नई ताज़ा तरीन खबर की तरफ। अमरीका और मगरबी ममालिक पर अक़वामी मुत्तहिदा में चीनी मंदूक की कड़ी तनकीद। अक़वामी मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़बिल मंदूक जांग जून ने कहा है कि इंसानी हकूक और मसावात के हवाले से ड्रिवन डिक्लेरेशन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन मंजूर हो जाने के तकरीबन 20 साल बाद भी अमरीका और मगरबी ममालिक में नस्ल परस्ती के वाक़ियात हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने 5 अक्टूबर को अक़वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की 3री और क्यूबा समेत 26 ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए कही। उन्होंने अमरीका समेत मगरबी ममालिक की जानब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करते हुए यक तरफा जबरी इकदाम को फौरन वापस लेने पर जोर दिया और इन ममालिक के निज़ाम में नस्ल परस्ती पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बढ़ते हैं एक और नई खबर की तरफ। अमारात में भी आखिर पाकिस्तानी पर भी किस्मत मेहरबान हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में साल में कई बार लकी ड्रॉ होते हैं, जिसमें ज़्यादातर भारतीय शहरी भी बड़ी मलकियत के कैश नमा जीते हैं। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर भारतीय बाशिंदे ही लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, पाकिस्तानियों का इस जानब रुझान कुछ कम है। इसी वजह से पाकिस्तानियों पर अमारात में लॉटरी के मामले में किस्मत कम मेहरबान होती है। मगर आज का रोज़ पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई खुशी का दिन है, क्योंकि एक पाकिस्तानी ने दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम ड्रॉ जीत लिया है। ये लकी ड्रॉ 10 लाख डॉलर मालियत का होता है, जिसकी पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 16 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है, जिसे अब केबीआर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद सदीक ने जीत लिया है। बढ़ते हैं एक और नई ताज़ा तरीन खबर की तरफ। कवैत में एक अफसोसनाक वाकया। कवैत में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें एक बेटी ने अपने सगे वालिद पर तेजाब फेंककर उसे शदीद जख्मी कर दिया। तेजाब गिरदी का निशाना बनने वाले वालिद को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ये खौफनाक वारदात अंजाम देने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। कवैती अखबारुल नाबा ने बताया है कि जाबिरुल अहमद पुलिस स्टेशन को इतला मिली थी कि एक शख्स पर तेजाब फेंककर उसे शदीद जख्मी कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस अहलकारों की एक टीम के अलावा तबी इमदाद का अमला भी जाए वका पर रवाना कर दिया गया, जिन्होंने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया। 40 साल कवैती शहरी ने अस्पताल पहुंचकर बयान दिया कि उसकी 23 साल बेटी ने इश्तियाल में आकर उस पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बायस उसका जिस्म झुलस गया है। बढ़ते हैं कौन नई ताज़ा तरीन खबर की तरफ। पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, 850 मकामात को सील कर दिया गया है। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक 4 दिन के लिए होगा और इस दौरान मस्बत केस वाले घर को सील किया जाएगा। महकमा सेहत पंजाब की तरफ से बताया गया है कि सूबे के तमाम अजला माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल हैं। इस सिलसिले में अब तक सूबा भर में 850 मकामात को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया है, क्योंकि इन इलाकों में 1235 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जहां 7290 अफराद को करंटीना कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी में 123 मकामात को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ फैसलाबाद और गुजरात में 40-40, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और झंग में 40-40 मकामात शामिल हैं। मुल्तान में 26, सरगोधा में 24, ननकाना साहिब में 23, साहिवाल में 12, भावलपुर में 12, मंडी बहावलद्दीन में 12, तोबा टैग सिंह में 11 मकामात को सील कर दिया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं कौन नई ताज़ा तरीन खबर की तरफ। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में गैर मामूली कमी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत 29 डॉलर फी ओंस कम हुई, जबकि पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 300 रुपये कमी हुई। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक बैनुल अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ओंस 24 कैरात सोने की कीमत 29 डॉलर घटकर 1880 डॉलर की सतह पर पहुँच गई, जबकि मकामी सराफी
मार्केटों में भी बुध के रोज फी तोला और फी 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिलतरतीब 300 रुपए और 250 रुपए की कमी हो गई। कीमतों में कमी के बाद कराची, हैदराबाद, सकर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा की सरफा मार्केटों में 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत घटकर 1,13,000 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम 24 कैरात सोने की कीमत कमी के बाद 90,880 रुपये हो गई है। दोस्तों, इस तरह की मजीद लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।